अलवर जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 25 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। अलवर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की दिशा में एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी शिवलाल बैरवा, सीओ सिटी विकास सांगवान के नेतृत्व में एसएचओ थाना शिवाजी पार्क सहित डीएसटी एनबी व डीएसटी लक्ष्मणगढ़ के साथ टीम का गठन किया। 2 नवंबर को गश्त में चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की हीरो एचएफ डीलेक्स पर सवार 3 लोगों से पूछताछ की तो मामला संदिग्ध नजर आया। गाड़ी के चेसिस नंबर चेक किए गए और तीनों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बाइक चोरी कर गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर बेचना भी स्वीकार किया। पकड़े गए आरोपियों में शकील पुत्र नवाब खान व चंवन हुसैन पुत्र दीनू खान सहित बागी उर्फ दिलबाग पुत्र वीर सिंह जो भरतपुर जिले के जुरेरा थाना अंतर्गत सेशन गांव के निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की मोटरसाइकिलों को अपने गांव के सेशन निवासी हरमेश याकूब और यशवेंद्र सिंह को बेचना बताया। इस बार पुलिस टीम ने वहां से इन तीनों आरोपियों को भी दबोचा और इनके कब्जे से 24 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों से शहर में दुपहिया वाहन चोरी जो है एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए भी चैलेंज बनी हुई थी। उसके पीछे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने अरावली विहार में 17 मोटरसाइकिल्स बरामद की थी। उसी क्रम में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, हमारे आईपीएस साहब हैं विकास सांगवान उनके नेतृत्व में और शिवलाल जी एडिशनल एसपी की मॉनिटरिंग में, जो हमारे दोनों एसएचओज हैं, एसएचओ शिवाजी पार्क और एसएचओ सदर, इनकी टीम्स और डीएसटी की टीम्स ने, साइक्लोन सेल की टीमें लगातार मिलकर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें आज हमने 25 मोटरसाइकिल्स और दोपहिया वाहन मिलाकर बरामद किए हैं अभी तक, जिसमें से कोतवाली की कुछ चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं और साथ ही 6 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। ये 6 लोग जो हैं सभी ज़िला भरतपुर के रहने वाले लोग हैं और इनमें ये इसी चीज़ के आदी थे। एक गैंग की तरह भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर ये लोग मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर, जब किसी की भी नगाह में नहीं होते थे, ये उसको लेकर भाग जाते थे और संभवतः आगे भी हम इनसे अनुसंधान करेंगे, इनकी पीसी लेंगे और भी मोटरसाइकिल्स अपने ज़िले की साथी ज़िलों की रिकवर होने के इसमें चांसेस हैं। इससे पहले अरावली विहार थाना पुलिस ने डीएसटी टीम एनईबी व अरावली विहार डीएसटी टीम के संयुक्त अभियान से 18 चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया था। उसके बाद आज 25 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त करना एक बड़ी सफलता कहा जाएगा।